हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करजी जी सड्डा पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लाए हैं जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है मात्रा एवं विमा, उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे जो 2018 में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, उस चैप्टर से उससे संबंधित हम टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज लेके आए हैं। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा किस किस क्वेश्चन को पूछे गए थे मात्रा एवं विमा चैप्टर से आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो फ्रेंड्स, बताना आपको जो फ्रेंड्स लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष, ये किसकी इकाई है। ऑप्शन में आपको दिया समय, दूरी, प्रकाश की गति, उसके बाद प्रकाश की तीव्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूरी का। फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। अगर क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि जो प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, यानी एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो 9.46, यानी कि 9.46 गुना 10^15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2018 में जो आरआरबी ग्रुप डी को हुआ था उसमें पूछा गया है, आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। बताना आपको जो प्रेशर है वो दबाव, उसका इकाई यूनिट क्या होता है। ऑप्शन में आपको दिया है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, उसके बाद न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव की एसआई इकाई होती क्या? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आप लोग जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का ऐसा यूनिट न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर वर्ग मीटर। तो दबाव का ऐसा यूनिट क्या हुआ? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आप इसे ध्यान में रखिएगा, सूत्र भी याद रखिएगा, दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। आपको बताना है चार ऑप्शन में से किसकी कोई इकाई नहीं है, कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है। ऑप्शन में आपको दिया है घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, उसके बाद विस्थापन, उसके बाद दाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, कोई भी इकाई नहीं होता। इसके अलावे सापेक्षिक घनत्व हुआ या आपेक्षिक घनत्व हुआ, इसके अलावे आवर्धन क्षमता हुआ, फ्रेंड्स ये सभी का ना ही कोई इकाई होता है ना ही कोई विमा होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। तो आप लोग जान लिए होंगे कि किसका ऐसा इकाई नहीं होता, किसका कोई यूनिट नहीं होता, तो सापेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व और आवर्धन क्षमता, ये सभी का ऐसा इकाई नहीं होता। इसके अलावे घर्षण गुणांक हुआ, उसके बाद विकृति हुआ, तो ये सभी में, उसके बाद आपेक्षिक आर्द्रता हुआ, ये सब का भी मतलब इकाई नहीं होता है। तो सारे को आप याद रखिएगा। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन आपको दिया किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि न्यूटन। भार का ऐसा इकाई क्या होता है? न्यूटन। आप इसे ध्यान में रखिए, किलोग्राम नहीं मार दीजिएगा, तो भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बल का भी क्या होता है? न्यूटन। दोनों को याद रखिएगा, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन और उसी का बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछेगा तो डाइन होता है। कितना होता है? डाइन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है। भार और बल का एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डॉट 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 अदिश राशि नहीं है, यानी बताना कि कौन अदिश राशि नहीं है, यानी कि वो सदिश है। ऑप्शन में आपको दिया आयतन, द्रव्यमान, बल, लंबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बल। बल ये अदिश राशि नहीं है, बल सदिश राशि है, जिसमें फ्रेंड्स दिशा परिमाण दोनों हो वो सदिश, जिसमें सिर्फ परिमाण हो वो अदिश कहलाता है। तो इसमें कहता कौन अदिश नहीं है, यानी कौन सदिश है, तो बल। बल में दोनों है। इसके अलावा आयतन हुआ, द्रव्यमान हुआ, लंबाई हुआ, ये सभी में दिशा नहीं है, केवल परिमाण है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा वेग, संवेग, आवेग, आघूर्ण बल, आघूर्ण, विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, सभी सदिश राशि है। उसके अलावा द्रव्यमान, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये चाल, ये अदिश राशि है। तो सदिश और अदिश को भी एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि डॉट 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 पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। आपको बताना जो फ्रेंड्स पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के जो बीच की दूरी निकाला जाता है फ्रेंड्स, वो यूनिट कहलाता है क्या। ऑप्शन में आपको दिया है लाइट ईयर्स, यानी प्रकाश वर्ष, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं खगोलीय मात्रक, उसके बाद केल्विन,
उसके बाद ऑप्शन डी में जूल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय मात्रक होता है। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कहलाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, तो हम आपको बता दें कि एक खगोलीय मात्रक यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 यानी याद तो आप लोग इस तरह कीजिए कि 1.496 या 1.49 गुना 10^11 मीटर, 1.496 गुना 10^11 मीटर। आप लोग इस तरह से बोल सकते हैं 1.496 इस तरह से बोल सकते हैं। हमको याद करने के लिए हम आपको बता दिए कि 1.49 बोले या 1.496 गुना 10^11 मीटर होता है एक खगोलीय मात्रक बराबर। इससे पहले हम बताते एक लाइट ईयर बराबर यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना बताते हम, तो 9.46 गुना 10^15 मीटर, वो याद कर लीजिएगा। और ये अभी जो बताया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 गुना 10^11 मीटर, दोनों को याद रखिएगा। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दूरी की सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पार्सेक। दूरी की सबसे बड़ा मात्रक वह पार्सेक होता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 गुना 10^16 मीटर, 3.26 गुना 10^16 मीटर होता है एक पार्सेक बराबर, यानी कि ये एक पार्सेक बराबर था 3.26 प्रकाश वर्ष। ये सभी को याद रखिएगा, तीनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, उसका पार्सेक, ये तीनों को याद रखिएगा। इसके बराबर कितना होता है उसका भी मान भी याद रखिएगा। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जो है विस्थापन की एसआई इकाई डॉट 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 है, तो आपका बताना है कि विस्थापन की एसआई यूनिट क्या होता है। ऑप्शन में आपको दिया मीटर, किलोमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीटर। फ्रेंड्स एक तरह का बता दिए कि विस्थापन एक तरह का दूरी ही होता है, दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर होता, तो विस्थापन का ऐसा ही क्या होता है, मीटर होता, क्या होता है, मीटर। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या। फ्रेंड्स हम पहले बता दिए ये जो चैप्टर है ये मात्रक एवं विमा से संबंधित है, इससे जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस रेलवे ग्रुप डी में उन्हीं क्वेश्चन को लाए, इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे क्योंकि फरवरी से एग्जाम है ग्रुप डी का। तो क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एसयूनिट क्या है, ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा, एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिया एम्पियर, कूलम, जूल, वाट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है, कूलम किसका होता है, आवेश का होता है, जूल किसका होता है, ये कार का होता है, उष्मा का भी होता है, वाट होता है शक्ति का, तो आप सभी को याद रखिएगा। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या, हम पहले भी बता दिए विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है। ऑप्शन में आपको दिया वोल्ट, कूलम, केल्विन, किलोग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कूलम। आवेश का ऐसा इकाई कूलम होता है, वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का वोल्ट, तापमान का केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम, तो आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो फ्रेंड्स चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है। इससे पहले हम दाब का यूनिट बताए थे, इकाई बताए थे, वो न्यूटन पर वर्ग मीटर, जो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। यहाँ था दाब का एसआई मात्रक, ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा। ऑप्शन में आपको दिया न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर, पास्कल, न्यूटन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पास्कल। दाब का एसआई यूनिट पास्कल भी होता है, न्यूटन पर वर्ग मीटर भी होता है, लेकिन इस ऑप्शन में न्यूटन प्रति मीटर ही दिया, वर्ग नहीं दिया, इसलिए ये ऑप्शन ए वाला नहीं होगा। अगर ही रहता न्यूटन प्रति वर्ग मीटर तो हो जाता, तो यहाँ सिर्फ न्यूटन प्रति मीटर दिया, इसलिए ये नहीं होगा, ये पास्कल होगा। तो आप पास्कल भी याद रखिएगा, प्रेशर का एसआई इकाई पास्कल भी याद रखिएगा, और इसके अलावा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स आज का 10 क्वेश्चन बस यहीं तक था, आई होप सारे क्वेश्चन हम बता दिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तथा मेरे यूट्यूब चैनल करजी जैसा अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।